हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। तो फाइनली गाइस, आपका कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट हो चुका है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो, सभी को अच्छे कॉलेजेस मिले। आपकी जो 2 साल की मेहनत थी उसका रिजल्ट आ चुका है। और जिन्होंने अभी तक कॉलेज नहीं मतलब चेक किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और आपको जो भी कॉलेज मिला है प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ताकि इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ी कॉलेज के रिव्यू के लिए तो आपकी मदद ले सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बता देना आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना, जब भी आपके कंफर्म मतलब पूरे डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी इंजीनियरिंग में आपको इस चैनल के थ्रू हेल्प मिल सके। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपके सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं कि कॉलेज के एडमिशन के टाइम पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज लेके जाना है, फीस कैसा पेमेंट करनी है, और आपके अदर डाउट भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका एडमिशन का डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो एडमिशन का डेट है 18 से 21 तारीख तक है। तो 21 को आपको 5 बजे के पहले एडमिशन कराना है। अगर आप उसके बाद गए तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। उसके बाद फिर आपको स्पोर्ट राउंड के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा, या मैनेजमेंट कोटा जिसे बोलते हैं। तो इसलिए अगर आपको एडमिशन चाहिए इस कॉलेज में जो आपको कैप राउंड 2 में अलॉट हुआ है, तो 18 से 21 के बीच में आप जाके एडमिशन ले सकते हो। तो ये हो गया एडमिशन के डेट के बारे में। अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं, हमें क्या करना है, सबके मन में ये डाउट है। तो सबसे पहले आपको सिटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपको अपने कैप राउंड का अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकालना है, तो सबसे पहले आपका ये काम है। फिर उसके बाद अब हम कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, आप भी हमारे साथ देखते जाइए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हर एक कैटेगरी के हिसाब से उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे। तो गाइस यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखते जाओ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो हर कैटेगरी को मतलब कंपलसरी लगने वाले हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस या ओपन का, कोई भी कैटेगरी का हो, ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो सभी को लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो सबसे पहला है यहाँ पे कैप रजिस्ट्रेशन कॉपी, जो हमारा एफसी सेंटर की तरफ से अक्नॉलेजमेंट आया था वो लगने वाला है यहाँ पे। फिर सेकंड क्या है हमारा एमएससी सिटी का स्कोर कार्ड और जेई मेंस का स्कोर कार्ड। तो अगर आपको एमएससी सिटी के थ्रू एडमिशन मिला है तो आपको एमएससी सिटी का स्कोर कार्ड लगने वाला है। अगर आपको जेई मेंस के थ्रू एडमिशन मिला है तो आपको जेई मेंस का स्कोर कार्ड लगने वाला है। तो सबके मन में एक और डाउट है कि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो हमें कौन सा लेके जाना है। तो जिसके माध्यम से आपको एडमिशन मिला है जेई मेंस या एमएससी सिटी, उसका स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है अलॉटमेंट लेटर। तो हमें जो भी कैप राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर हमने आपको पहले बता दिया, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना है, तो उसका प्रिंट आउट हमें लेके जाना है। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा आता है 10th और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट। तो आपको अगर आप एसएससी एचएससी या सीबीएसई किसी भी बोर्ड से हो, तो आपको 10th और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे हम खाली बस डॉक्यूमेंट देखने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें ओरिजिनल लगने वाले हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि उसका कितना जेरोक्स हमें कॉलेज लेके जाना है। तो फोर्थ नंबर पे था हमारा 10th और 12th का मार्कशीट। फिफ्थ नंबर पे हम देख लेते हैं, तो पाँचवें नंबर पे अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपका जो 12th का मार्कशीट है वेरीफाइड प्रिंट आउट चाहिए उन्हें डीजी लॉकर का। अब छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पे हमारा 12th स्टैंडर्ड का मतलब कॉलेज का हमें लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, जिसे हम एलसी भी कहते हैं। तो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जो हर किसी को चाहिए। फिर सातवें नंबर पे हमारा आता है नेशनलिटी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपने इसके बदले जो भी अप्लाई किया रहेगा, या बर्थ सर्टिफिकेट या कॉलेज का एलसी, जो भी आपने अप्लाई किया रहेगा वो आपको लेके जाना है ओरिजिनल। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट जो सभी कैटेगरी के बंदे को लेके जाना है। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे टॉप 7 डॉक्यूमेंट है ये सभी को लेके जाना है। अब हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें या कोई भी स्कॉलरशिप हमने लिया है, तो उसके हिसाब से अब देख लेते हैं हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो पहले के जो टॉप 7 डॉक्यूमेंट थे ये सभी को लगने वाले हैं, खाली जो छठे नंबर का जो पाँचवें नंबर का डॉक्यूमेंट था वो सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए था, बाकी जो 6 डॉक्यूमेंट थे वो सभी को लगने वाले हैं। अब हम एससी एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगने वाला है। और हम अदर बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी की बात करें, जैसे यहाँ पे वीजे डीटी एनटीए एनटीए एनटीबी एनटीसी एनटीडी ओबीसी एसबीसी, तो इनको इन सभी को कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ऑन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो कि अप्लीकेबल होना चाहिए, हमारा वैलिड होना चाहिए 31 मार्च 2022 के पहले का। तो ये रहा हमारा कुछ रिजर्व कैटेगरी का। और हम अब ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू एडमिशन लिए हो तो आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा, खाली सिर्फ ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले।
मतलब जो टॉप 7 डॉक्यूमेंट थे वो लगने वाले और प्लस हमारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगने वाला है। अब टीएडब्ल्यूएस की बात करें, अगर आपका टीएडब्ल्यूएस से एडमिशन हुआ है तो आपको सभी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, टॉप 7 डॉक्यूमेंट, और आपको इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। बिन इनकम सर्टिफिकेट के आपका एडमिशन भी कैंसिल कर सकते हैं वो लोग। तो जेरोक्स नहीं, आपको ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है कॉलेज में। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट्स बोर्ड से हो, मतलब महाराष्ट्र स्टेट के बाहर के हो, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। फिर आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी लगने वाला है अगर आप HSC बोर्ड के बाहर के हो। फिर आपको यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगने वाला है अगर आपने इसके थ्रू अप्लाई किया था तो। फिर आपको डिफेंस सर्टिफिकेट भी लगने वाला है अगर आप डिफेंस कोटा से आपने एडमिशन लिया। फिर यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट भी लगने वाला है अगर आपने गैप लिया था तो। फिर इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। फिर ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो सभी को लगने वाले हैं, आधार कार्ड, मतलब सभी का आधार कार्ड लगने वाला है। फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप लेते जाना, क्योंकि आपका जो एडमिशन फॉर्म होगा वहाँ पे आपको, इसलिए अपने साथ आप अपना पासपोर्ट साइज़ 2-3 या फ़ोटो भी लेके जाना। अब हम माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मुंबई में मतलब मैक्सिमम जितने भी कॉलेज हैं ना, सब माइनॉरिटी कॉलेजेस है। जैसे हमारा ठाकुर है हिंदी माइनॉरिटी कॉलेज है, श्री LR तिवारी वो भी हिंदी माइनॉरिटी कॉलेजेस है, हमारा DJ सांगवी, KJ सुमैया, JVR, जितने भी कॉलेजेस हैं मुंबई में मैक्सिमम सब माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। तो माइनॉरिटी कॉलेजेस में हमें एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो जो आपने एडमिशन के टाइम पे माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट जो अपलोड किया था, तो बहुत लोगों ने मतलब LC भी अपलोड किया था या माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट अपलोड किया था, तो आपको वो लेके जाना है अपने साथ में, ओरिजिनल वो आपको लेके जाना है। तो ये थे पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो हमें एडमिशन के टाइम पे अपने साथ कॉलेज लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो हम बात करते हैं हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसके हिसाब से हमें कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर आप देख सकते हो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज के लिए लेके जाना है एडमिशन के टाइम पर। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो इसलिए गाइस, आप सबसे पहले अपने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पे देखो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। क्योंकि इस वीडियो में आप मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट बताए ना, वो सभी कैटेगरी के हिसाब से, सभी कॉलेजेस के हिसाब से थे। जैसे माइनॉरिटी कॉलेजेस के हिसाब से थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस के हिसाब से, प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से, मतलब पूरे महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस के हिसाब से डॉक्यूमेंट थे। तो जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसके हिसाब से अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने। तो अभी कुछ और डॉक्यूमेंट है जो हमें कॉलेज में सबमिट करने हैं, तो ये अगर एडमिशन के टाइम पे पॉसिबल नहीं है तो हम मतलब 2-3 दिन बाद भी इन्हें सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका पूरा मतलब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद भी अभी हम कुछ और डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। जैसे हमें यहाँ पे फिजिकल मतलब सर्टिफिकेट लगने वाला है फिजिकल फिटनेस का। फिर हमें एंटी रैगिंग का एफिडेविट लगने वाला है। अगर आपने माइनॉरिटी से एडमिशन लिया है तो आपको माइनॉरिटी का मतलब एफिडेविट लगने वाला है। तो ये कुछ थे जो डॉक्यूमेंट हमें एडमिशन के, मतलब इनको हम बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। फिर अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ेगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, वो फॉर्म आपको लगने वाला है। यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी से, आप पुणे यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अब एंटी रैगिंग की बात करें तो एंटी रैगिंग की मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से अप्लाई कर देना। तो आपको मतलब कुछ समय बाद, मतलब 4-5 घंटे बाद या 1-2 घंटे बाद आपको मतलब मेल आ जाएगा। वहाँ पर कुछ 4-5 PDF रहेगी, तो वहाँ पे आपको खाली बस 2 या 3 PDF रहेगी आपके पेरेंट्स के नाम पे और आपके नाम पे। तो उनका प्रिंटआउट निकाल के आपको उनका एफिडेविट बनाना है और वो आपको कॉलेज में सबमिट करना है। तो ये सब बाद की प्रोसेस है, मतलब एडमिशन के बाद भी आप 2-3 दिन में भी ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, कम से कम 10-15 डॉक्यूमेंट तो हो गए हमारे। हाँ, एक और बात, मतलब हमें कितने जेरोक्स लेके जाना है हर एक डॉक्यूमेंट का। तो आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आप चेकआउट करो, वहाँ पे मेंशन किया गया रहेगा कि आपको कितना जेरोक्स लेके जाना है हर एक मतलब हार्ड कॉपी का। तो कोई कोई कॉलेज में 5 जेरोक्स मांग रहा है, किसी किसी में 3 मांग रहा है, किसी किसी में 2 मांग रहा है। तो आप अपने कॉलेज के हिसाब से देख लेना आपको कितने कॉपी जेरोक्स लेके जाना है। यहाँ पे एक और बात याद रखना, अगर आपने यहाँ पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट 2 बार अपलोड किया है, जैसे जो लिविंग सर्टिफिकेट है आपने यहाँ पे अपने नेशनलिटी में भी अपलोड किया है और यहाँ पे भी अपलोड किया है कॉलेज के LC में भी, तो आपको इनका 6 जेरोक्स लेके जाना पड़ेगा। मतलब एक उसके लिए 3 और आपको यहाँ पे भी 3, मतलब अलग अलग आपको 3-3 मतलब 6 जेरोक्स लेके जाना पड़ेगा। आपने जितना भी मतलब कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपने अगर 3-4 जगह अप्लाई किया है तो उनका उतना जेरोक्स लेके जाना पड़ेगा। अगर 3 जगह अप्लाई किया है तो 9 जेरोक्स लेके जाना पड़ेगा, 2 जगह अप्लाई किया तो 6 जेरोक्स लेके जाना पड़ेगा। तो वो भी आप ध्यान दे देना एक बार कि आपने एक डॉक्यूमेंट कितने जगह पर अपलोड किया है। कि जैसे मैंने अपने टाइम पर जो मेरा LC था, मैंने पहले LC अपलोड किया था, फिर हमारा माइनॉरिटी की जगह पे LC अपलोड किया था, फिर बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे LC अपलोड किया था। तो मैंने 3 जगह LC अपलोड किया था, तो इसलिए मैं 9 जेरोक्स लेके गया था कॉलेज के टाइम पे।
अब हम थोड़ा कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले। तो जो आपको कॉलेज की जो फीस है कैसे पता लगानी है, तो आपको कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको फीस मेंशन की गई है। तो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस देखनी है और फिर उसका मतलब नीचे आपको बताया गया रहेगा। आप एफिड मतलब आप डीडी बना के पेमेंट कर सकते हो या सीधा आपको कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। क्योंकि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है आपको कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया रहेगा, तो आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, तो आपके सभी डाउट क्लियर कर देंगे। उनसे एक बार पूछ लेना आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको फ़ीस कितनी लगने वाली है, तो उसके हिसाब से आप डीडी बना लेना और कॉलेज का नाम मतलब जो डीडी में नेम आप डालने वाले हो वहाँ पे मेंशन किया गया रहेगा। हाँ, एक और बात आपको याद दिला देता हूँ कि जब आप कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन फॉर्म मिलता है, तो उसका जो चार्जेस है 1500 रुपीज़ है, मतलब 1500 का है। तो अपने साथ आप कैश भी लेके जा सकते हो या आप वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, कि पता नहीं इसका मेरे को आइडिया नहीं है, तो आप कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना। तो 1500 आप अपने साथ कैश लेके जाना, कि वहाँ पे आपको एडमिशन के फॉर्म के टाइम पे लगने वाले हैं, कि जो कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है वो 1500 का आता है। अगर आपको एफिडेविट भी बनाना है तो आप उसी समय मतलब एफिडेविट बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में मतलब कि जो कॉलेज का एडमिन ऑफिस होता है उसी के आसपास ही मतलब वो एफिडेविट बनाने वाला बंदा बैठा होता है। कुछ एक एफिडेविट बनाने का कुछ 300-400 रुपये चार्जेस करता है, अगर आपको दो मतलब एफिडेविट बनाने तो 800 कुछ लेगा ही था। तो आप अपने कॉलेज के हिसाब से देख लेना आपको नियरेस्ट मतलब कहाँ पे मिल जाता है, तो उसके हिसाब से आप एफिडेविट बना के सबमिट करना पड़ेगा आपको, तो आप उसको बाद में भी सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे सबको एक और डाउट आता है कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो या SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको ओपन कैटेगरी की सीट मिल गई, मतलब जर्नल ओपन की जो सीट थी OBC वाले बंदे को दे दी गई, तो उसे फ़ीस कौन सी भरनी पड़ेगी, ओपन की फ़ीस लगेगी या OBC की लगेगी? तो जो कैप राउंड 1 हुआ उसमें तो मतलब हर एक कैटेगरी के हिसाब से सबको सीट मिली थी, और कैप राउंड 2 में जो उनसे भी सीट खाली थी उस कैटेगरी के बंदे को मतलब दूसरे कैटेगरी के बंदे को सीट मिल गई है। जैसे आप OBC की हो और वहाँ पे ओपन की सीट खाली है, तो OBC के बंदे को वहाँ पे ओपन की सीट दे दी गई है, मतलब एक भी सीट खाली नहीं रखी किसी दूसरी कैटेगरी के उठा के बंदे को वो सीट दे दी गई है। तो आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको वही फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो मैंने बहुत सारे कॉलेज के कट ऑफ देखे हैं, तो मतलब जो होम यूनिवर्सिटी के बंदे थे उनको अदर देन होम यूनिवर्सिटी की सीट मिल गई है, क्योंकि वहाँ पे उस मतलब अदर देन होम यूनिवर्सिटी के बंदों ने वहाँ पे एडमिशन नहीं ली, तो इसलिए होम यूनिवर्सिटी के बंदे को वहाँ पे एडमिशन दे दिया गया है। और कमेंट भी आ रहे थे कि मैं OBC कैटेगरी का हूँ, मुझे जर्नल ओपन की सीट दे दी गई है, तो मुझे फ़ीस कौन सी भरनी पड़ेगी, जर्नल ओपन की फ़ीस भरनी पड़ेगी या ओपन की फ़ीस भरनी पड़ेगी? तो आपको OBC की फ़ीस भरनी पड़ेगी। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको ओपन की सीट मिल गई तो भी आपको SC की फ़ीस भरनी पड़ेगी। और आप ओपन से बिलोंग करते हो और आपको SC की सीट मिली है तो आपको ओपन की फ़ीस भरनी पड़ेगी, SC की फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी। तो ये भी एक डाउट था, मुझे इतने डाउट अभी ध्यान में आ रहे हैं। अगर आपको और डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना, तो एक नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा तो आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो भी बता देना, और जो आपके डाउट है वो भी बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।